सो हेलो एंड वेलकम बैक टू हमारा एडिट गाइस। तो गाइस आज की इस नए वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इस टाइप से लोगो बनाना सिखाऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक लगता है ये लोगो देखने में। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा और फुल वॉच करिएगा। एंड गाइस काफ़ी सारे लोग का डिमांड था कि लोगो पे ट्यूटोरियल लेके आओ, तो फाइनली गाइस आज मैं वीडियो इस पर अपलोड कर दिया हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप कीजिए। एंड गाइस जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर लो वीडियो को। एंड गाइस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ एंड एडिटिंग के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। एंड गाइस जिसने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार भाई को अपने फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए गाइस हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइज अगर आप लोगों के पास ये वाला जो है पिक्सल ऐप एप्लीकेशन नहीं है तो गाइज मैं आप लोगों को सिंपली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज सबसे पहले हम चलेंगे इसके अंदर एंड जाने के बाद यहां से आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, कन्फर्म टू ये वो तीन तूफान, तो यहां से सिंपली कर दीजिएगा आप ओके। तो गाइज ये मेरा पुराना, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो गाइज आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइज अब हमारा पहला स्टेप है कि हम इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, कोने पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा, यहाँ से क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इतने सारे मतलब ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को करना है टेक्स्ट पे क्लिक एंड इसको हम इसको ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ लाएंगे एंड इसे इस पर हम दो बार टैप कर देंगे गाइज, 1 2 ऐसे दो बार टैप कर देंगे एंड टैप करने के बाद इसको सिंपली कर देंगे कट। एंड गाइज जिसके भी नाम से आप लोग अपना लोगो बनाना चाहते हैं वो नाम आप इस पर टैप करिए। तो जैसे मैं अपने नाम का बनाऊँगा तो देखिए गाइज जैसे कि मैंने टैप कर लिया है अपना नाम। एंड गाइज टैप करने के बाद सिंपली यहां से कर दीजिएगा डन ओके। ओके करने के बाद गाइज अब आप लोगों को कुछ थोड़ा फॉन्ट का स्टाइलिश पे थोड़ा लाएंगे अगर चाहें तो गाइज उस टाइप से स्टाइलिश के लिए लाने के लिए आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है इस वाले टूल पे। एंड इस वाले टूल पे क्लिक करने के बाद गाइज आप लोगों को इधर की तरफ आ जाना है एंड यहाँ से दिखता होगा आप लोगों को ये वाला ऑप्शन AB लिखाया है, AB फॉन्ट, तो इस पर आप सिंपली कर दीजिएगा क्लिक। तो गाइज यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को, काफ़ी सारे राइटिंग्स मिल जाएंगे आप लोगों को, काफ़ी सारे फॉन्ट, काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट्स मिल जाएंगे गाइज। एंड गाइज यहाँ से आप लोग जैसे ये देख लीजिए, ये भी काफ़ी गजब का फॉन्ट है। तो गाइज मैं तो एक फॉन्ट जो यूज़ करता हूँ अमेरिकन फॉन्ट, वो मैं यूज़ करूँगा अमेरिकन कैप्टन का, तो ये है वो फॉन्ट। तो गाइज अगर ये वाला फॉन्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज एक ये है, तो ये दोनों सही हैं। तो गाइज तो बस ज़्यादातर तो मुझे अमेरिकन कैप्टन वाला ही पसंद आता है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ से कर दूँगा सिंपली ओके। एंड गाइज ओके करने के बाद देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ऑसम एंड काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है हमारा फॉन्ट। एंड गाइज इस पर थोड़ा हम बीच बीच पे स्पेस दे के करें तो और भी बेहतरीन लगेगा देखने में। तो गाइज मैं इस पर चलता हूँ साइड से एंड यहाँ से आप लोगों को ये वाला ऑप्शन मिलेगा स्पेसिंग वाला, तो स्पेस पे जाइए एंड यहाँ से स्पेस जितना आप लोगों को चाहिए, जिससे मुझे इतना ही चाहिए तो मैं इतने में कर लेता हूँ 12 में। एंड यहाँ इतना करने के बाद सिंपली हम यहाँ से कर देंगे डन एंड डन करने के बाद देखिए गाइज इतना हो चुका है। एंड गाइज थोड़ा इस पर हम थोड़ा शेडोज वगैरह लगा देते हैं तो सबसे इधर आ जाएंगे गाइज। एंड यहाँ से आप लोग चाहे तो ये जो स्ट्रोक है इसको आप इनेबल कर सकते हैं, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग जाएगा। अब देखिए काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में। एंड गाइज इतना करने के बाद आप लोग चाहें तो इसका शेडो भी इनेबल कर सकते हैं ऐसे, तो और भी काफ़ी क्रिएटिव एंड ऑप्शन लगने लगेगा। एंड यहाँ से चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो गाइज ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट आप लोग को अगर लगेगा तो आप लोग कर लीजिएगा अपने हिसाब से। एंड गाइज सिंपली इतना करने के बाद मैं यहाँ से कर दूंगा डन एंड डन करने के बाद गाइज इतना देखिए हमारा हो चुका है क्रिएट इतना फॉन्ट। तो गाइज इसको अब हम कर देंगे सेव, तो हम सेव कहाँ से करेंगे? तो गाइज सेव करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर इस वाले टूल पर क्लिक कर देंगे
इस वाले टूल पे, एंड क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा कलर के सेकंड नंबर वाला, ये वाला ऑप्शन, तो इस पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। एंड क्लिक करने के बाद गाइज आप हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सेव एज इमेज करेंगे, एंड यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अल्ट्रा पे करने के बाद यहाँ से सेव टू गैलरी कर देंगे। तो गाइज ये जो फॉन्ट है हमारा जो लिखा हुआ है वो हमारे गैलरी पे हो जाएगा सेव। एंड गाइज इतना करने के बाद मैं फिर से यहाँ से बैक करता हूँ एंड यहाँ से फिर मैं डबल टैप करके इसको मैं कर देता हूँ कट, एंड कट करने के बाद फोटोग्राफी लिखता हूँ। तो गाइज ये सही ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो फोटो फोटोग्राफी, तो गाइज मैंने फोटोग्राफी लिख लिया है एंड यहाँ से मैं फिर से ओके कर दूंगा। एंड ओके करने के बाद गाइज इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं अपन। तो गाइज इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए फिर से हम इस पे चलेंगे एंड ए बी वाले पे चलेंगे, एंड यहाँ से जो आप लोगों को दिखता होगा यहाँ से जो फर्स्ट वाला है इसी को आप लोग क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ से कर दीजिए डन। एंड इतना करने के बाद इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ एंड जाऊँगा स्पेस पे, स्पेसिंग पे, एंड यहाँ से थोड़ा सा इसका मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा एंड इसका स्पेस थोड़ा कर लूँगा। एंड गाइज इतना करने के बाद देखिए इसका जो शैडो है, शैडो को मैं इनेबल जो है उसको मैं डिसेबल कर दूँगा ये ऐसे। एंड इतना करने के बाद गाइज थोड़ा इसका स्पेस जो है मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, तो स्पेस मैं इसका थोड़ा कम कर लेता हूँ। सो गाइज इतना करने के बाद देखिए हम फिर से वैसे ही करके अपने पिक्चर को सेव कर लेंगे। एंड गाइज अब चलते हैं हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ अब परफेक्ट लोगो कैसे बना सकते हैं। एंड यहाँ से अल्ट्रा एंड यहाँ से सेव। तो चलिए गाइज हम चलते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा कि कहाँ पे मिल जाएगा, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं से आप लोग क्लिक करके आ जाइएगा अंदर। एंड गाइज अब चलते हैं हम अपने आगे की स्टेप की तरफ। तो गाइज सबसे पहले तो हम कि जो फर्स्ट में जो फॉन्ट हमने पिक्सल लैब के अंदर जो सेव किया था अपने नाम का, तो उसको हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने ऐड फोटो पे एंड यहाँ से हम कर लेते हैं ऐड। तो गाइज मैंने कर लिया है इसको ऐड, एंड ऐड करने के बाद हम सिंपली इसको कर देंगे बड़ा, एंड बड़ा करने के बाद इतना करने के बाद हम सिंपली इसको सिंपली कर देंगे डन। एंड डन करने के बाद गाइस इतना हो चुका है। एंड गाइस अब फिर मैं एक आप लोगों को पीएनजी दे दूंगा, एक बॉर्डर की, बॉर्डर लाइन की एक पीएनजी दे दूंगा अपने, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस वो बॉर्डर लाइन की पीएनजी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस वो बॉर्डर लाइन की पीएनजी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज ये है वो बॉर्डर लाइन की पीएनजी, तो इसको आप लोगों को सिंपली ऐड कर लेना है एंड इसे बड़ा करने के बाद इसको गाइज अपने फॉन्ट के नीचे की तरफ लगा देना है ऐसे ऐसे। तो गाइज बराबर में लगा दीजिएगा, तो इतने में लगा देना है गाइज। सो गाइज इतना करने के बाद हम थोड़ा इसको देख लेते हैं सीधा है या टेढ़ा है। तो गाइज सीधा तो है हमारा, तो इसको मैं इतने में लगा दूंगा एंड इतना करने के बाद मैं सिंपली यहाँ से कर दूंगा डन। एंड डन करने के बाद गाइज इतना हमारा प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। एंड फिर से हम चलेंगे अपने ऐड फोटो पे एंड जो फोटोग्राफी का टेक्स्ट था उसको ऐड कर लेंगे। तो गाइज उसको मैं ऐड कर लेता हूँ फोटोग्राफी का टेक्स्ट। तो गाइज ये मैंने ऐड कर लिया है फोटोग्राफी का टेक्स्ट, तो आप लोगों को भी ऐसे ऐड कर लेना है एंड इसको सिंपली इधर से खींचना है इधर की ओर एंड इसको इधर नीचे की तरफ लगा देना है। एंड गाइस सिंपली इतना करने के बाद देखिए कितना क्रिएटिव एंड कितना ऑसम दिख रहा है हमारा लोगो। एंड यहाँ से सिंपली कर दीजिएगा डन। एंड डन करने के बाद देखिए गाइस हमारा जो लोगो है वो हो चुका है कंप्लीट। एंड गाइस आप लोग जब भी, मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि जब भी ये सब सेव करें तो गाइस आप लोग ड्रॉ टूल में जाके सेव करिएगा, क्योंकि फिर वहाँ से आप लोगों का ये पीएनजी नहीं बनेगा डायरेक्ट, ये सिर्फ फॉन्ट बस रहेगा। अगर ऐसे ही कर देंगे तो पीएनजी बन जाएगा, ये सब बैकग्राउंड पूरा आ जाएगा। तो गाइज अगर ये आप लोगों का वाइट में है एंड यहाँ से अगर ब्लैक करना चाहते हैं तो इफेक्ट में चलिए। एंड इफेक्ट में जाने के बाद गाइज आप लोगों को लास्ट मिल जाएगा कलर में, एंड कलर में जाने के बाद यहाँ से निगेटिव एंड यहाँ से सिंपली कर लीजिएगा डन। तो गाइज ये हो गया हमारा ब्लैक कलर में।
तो गाइज इसको भी आप लोग सेव कर सकते हैं, वाइट भी ब्लैक भी। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरी वीडियो में के अंदर कि मैंने क्या क्या बताया है। तो गाइज वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड गाइज चैनल पर जो भी बंदे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। We'll be right back.